मैनपुरी में सुदिति ग्लोबल एकेडमी पर परिवहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा अधिकृत डीलरों हेतु संचालित प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन टेस्ट सर्टिफिकेट के निगमन नवीनीकरण, फैंसी नंबर के आधार पर एवं अटैचमेंट अलाइनमेंट नंबर भारत सीरीज PH विषयक के बारे में जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से दी गई। कार्यक्रम का शुभारंभ RTO आगरा प्रमोद कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। तो वहीं RTO आगरा प्रमोद कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है कि सभी डीलरों के हक में निर्णय लेने का अधिकार होगा तथा स्क्रीन पर बताई गई चारों मुख्य बातों का ध्यान रखते हुए अपने कार्य का निर्वहन करेंगे। तो वहीं पर RI नरेश सिंह ने बताया कि यह प्रशिक्षण डीलरों के लिए रखा गया है, जिसमें सभी डीलरों को जानकारी ऑनलाइन स्क्रीन के माध्यम से दी गई, जिसका सभी डीलर पालन करेंगे और अपने निर्णय स्वयं ले सकेंगे। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जनपद के सभी डीलरों का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। तो भारत सरकार सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो भी नियमों का परिवर्तन किया जा रहा है, तो उसके अनुसार NIC की तकनीकी टीम द्वारा वाहन फोर पर जो समय समय पर जो परिवर्तन किए जा रहे हैं, उसकी वजह से डीलरों को रजिस्ट्रेशन करने में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उन प्रॉब्लम्सों को दूर करने के लिए आज ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा गया है। जो वाहन फोर में रजिस्ट्रेशन की विधि है उसको अपग्रेड किया गया है। तो मुख्यतः चार पॉइंट है। नंबर एक, डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन में जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको कैसे शॉर्ट आउट करें, इसके लिए सभी डीलर्स को दक्ष बनाने का पहला पॉइंट कार्यक्रम है। नंबर दो पे जो फैंसी नंबर आप समझ रहे होंगे, फैंसी नंबर अलाटमेंट कैसे करना है। और नंबर तीन जो है ये इसका ट्रेड सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे आपको प्राप्त करना है और उसका रिन्यूअल कैसे होगा। और चौथा पॉइंट जो अभी शुरू हुआ है, BH सीरीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए बेसिकली बहुत बड़ा कार्य हुआ है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMTNewsFlash।